नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इजी स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और उनके यूजेस के बारे में, किन क्षेत्रों में उनका इस्तेमाल होता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला यंत्र है थियोडोलाइट। इसका उपयोग लंबवत कोण को मापने में किया जाता है। दूसरा डिवाइस है पाइरहेलियोमीटर। इसका इस्तेमाल सौर विकिरण मापने में किया जाता है। अगला यंत्र है लक्स मीटर। इसका इस्तेमाल प्रकाश तीव्रता मापने में किया जाता है। अगला यंत्र है एक्टियोमीटर। इसका इस्तेमाल सूर्य के किरणों की तीव्रता का मापन करने में किया जाता है। अगला यंत्र है सिस्मोग्राफ। इसका इस्तेमाल भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। अगला यंत्र है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। इसका इस्तेमाल सूर्य की फोटोग्राफी करने में किया जाता है। अगला यंत्र है ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। इसका इस्तेमाल एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य मापन में किया जाता है। अगला यंत्र है ऑक्सीमीटर। इसका इस्तेमाल पौधों की वृद्धि मापने में किया जाता है। अगला यंत्र है कैरेट मीटर। इसका इस्तेमाल स्वर्ण की शुद्धता मापने में किया जाता है। अगला यंत्र है फोनोमीटर। इसका यूज प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। अगला यंत्र है विस्कोमीटर। इसका यूज द्रव की क्षारणता का मापन करने में किया जाता है। अगला डिवाइस है वेंचुरीमीटर। इसका इस्तेमाल द्रव के प्रवाह की दर का मापन किया जाता है। अगला यंत्र है नेफोस्कोप। इसका यूज बादलों की गति व दिशा का मापन करने में किया जाता है। अगला यंत्र है पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलीग्राफ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। अगला यंत्र है टेकोमीटर। वायुयान व मोटर की गति मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला यंत्र है गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं की गति का मापन करने में इसका यूज होता है। अगला यंत्र है एनीमोमीटर, वायु वेग का मापन किया जाता है। अगला यंत्र है क्राइमोग्राफ, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने का यंत्र क्राइमोग्राफ कहलाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।